come, go, stop all that, in, knee, come, two, stop fighting, hit, knee, come, she, stop, chin, hit, knee, come, she, 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 gentlemen, hit, knee, come, she, go, good, cut, cut, stop. Left hand right, hit, knee, come, she, go, good, stop. Shoulders, hit, knee, come, she, go, hit, knee, come, she, other way, hit, knee, come, she, go, stop. Keep rooting, pass, hit, knee, come, she, go, chin, hit, knee. Shout! Shout! Hey! Yes. Sit your back. Hit. Hit. Push in front. Hit. Knee. Sit down. Hit. Knee. Feet together. Feet together. Feet together. Straight. Calm. Knee. Up. Up. Finger push up down. Calm. Finger push up. Show. Okay. Up. Right punch out, everybody, right out. Chin your punch, you got. Out! 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 Start with the right hand. Hit! Hit! Shot! Up! Shot! Out! Hit! Hit! Shot! Out! Hit! 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 Knee. One. Two. Some. Change your leg. Same thing. Start. One. Two. Three. Four. Five. Six. Some. Yeah. Assalamu alaikum. Good evening, everybody. अभी यहाँ से इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अकेडमी टुली चौकी जो 3 ईयर बिफोर इसको फाउंड किए थे मास्टर अब्दुल कय्यूम ब्लैक बेल्ट 6 जैन और उस पर जो बच्चों को तैयार करने में सीनियर इंस्ट्रक्टर मास्टर अब्दुल रहीम ब्लैक बेल्ट 5 जैन तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके काविशों का नतीजा है आज के 5 बच्चे और लड़कियाँ ब्लैक बेल्ट लिए हैं और कई टूर्नामेंट में ये लोग पार्टिसिपेट किए और कामयाब भी रहे और आज यही टीम विशाखापट्टनम में नेशनल चैम्पियनशिप अटेंड करने के लिए जा रही है और इसमें इंडिया के सब सेलेक्टर्स की निगाहें हैं वहाँ पर काई के चीफ और जनरल सेक्रेटरी भी तशरीफ़ ला रहे हैं वहाँ पर तो वहाँ पर जो बच्चों की अच्छी कारकर्दगी रहेगी इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमारे को नेशनल कैंप में इंडिया के लिए टीम सेलेक्शन में 2020 की जो ओलंपिक गेम हो रहा हो सकता है इसमें से कौन सा लड़का और लड़की जाएगी हम बता नहीं सकते क्योंकि प्रैक्टिस अपनी पूरी कर रहे हैं नौजवान ये और यही जज्बे के साथ जा रहे हैं कि भाई हम हमारे मुल्क के लिए एक दिन खेलेंगे और इंशाल्लाह मेडल लेके आएंगे के साथ जैसा कि भाई एशियन गेम में मेडल लिया है लेकिन अभी अज़्म है कि भाई ओलंपिक गेम के अंदर ज़रूर मेडल लाएंगे अभी टाइम भी है 2 साल का क्योंकि ये जो शोडोकान स्टाइल के अंदर चेंज करके नए रूल्स आए हैं इसके लिए हमारे को इंडिया में तैयारी करने का कम मौका मिला इंडिया के लोगों को वो भी वजह से एशियन गेम में ज़्यादा वो नहीं कर पाए क्योंकि दूसरी टीमें बहुत ज़माने से प्रैक्टिस कर रही थी तो हमारे लिए नया था अभी 2 साल है ओलंपिक गेम के ये मुल्क के जो नौनिहाल और नौजवान जो तैयार हो रहे हैं सेहतमंद हो रहे हैं उसके लिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बताते हुए मीडिया के भी लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग उसके लिए बेहद शुक्रगुजार हूँ और एक कितने स्टूडेंट सर आपके पास अभी यहाँ पर कराटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 40-50 स्टूडेंट है और दूसरे स्पोर्ट्स भी होते हैं यहाँ पर जैसे मोया था ये किक बॉक्सिंग है बॉक्सिंग है तो इसमें भी 2 बैचेस चलते हैं उसमें भी एवरेज तकरीबन 100 बच्चे जो सो है टोटल 120-130-150 तक जो सो हमारे पास कंपटीशन में कितने स्टेट्स के पार्टिसिपेट करें उसके बारे में इस कंपटीशन के अंदर तकरीबन इंडिया के हर स्टेट से लोग आ रहे हैं कोई स्टेट शायद ही मिस होगा इसमें शायद 1-2 स्टेट कोई मिस हो रहे हैं बाकी का सब तकरीबन 27-28 ऑल इंडिया के जितने स्टेट हैं कितने मेंबर्स हैं टोटल आपके पास हमारे पास जो मेंबर जा रहे हैं 19 जा रहे हैं इसके अंदर से 7 लड़कियां हैं
और 11-12 लड़के हैं, 7 लड़कियां 11 लड़के। हर स्टेट से कोई ना कोई लड़के जाएंगे, हमारे को भी उम्मीद है तेलंगाना से भी हमारे और दूसरे भी बांसरस के क्लब के कोई ना कोई लड़के और लड़कियां ज़रूर इसके अंदर आगे जाएंगे और हमारे मुल्क का अपने कौम का नाम रोशन करेंगे। यही उम्मीद से विशाखापट्टनम जा रहे हैं और इस मौके पर मैं मास्टर शेख अब्दुल कयूम फाउंडर और यहाँ के इस मास्टर जो इंस्ट्रक्टर हैं मेन मास्टर अब्दुल रहीम सीनियर इंस्ट्रक्टर और मास्टर मोहम्मद मुसेब इसाक इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अच्छी उम्मीद रखता हूँ कि भाई हमारी टीम अच्छा रिजल्ट लाएगी वहाँ पर और लड़के लड़कियाँ जो मेहनत की है उसका इनको ज़रूर सिला मिलेगा और वापस आएंगे कामयाबी के साथ। जो पेरेंट्स तो सबसे बड़ी इनको कभी रिवार्ड अवार्ड नहीं दिया जाता, मैं जिद्दा में भी यह बात बोला क्योंकि बच्चे आ जाना आसान नहीं है आज के ज़माने में पेरेंट्स जब तक ना भेजें, क्योंकि आज इतना मुश्किल है इनकी स्कूल की स्टडीज़ वगैरह बहुत टफ हो गया। आज हम नहीं पढ़ा सकते बच्चों को इतना टफ सिलेबस है, बच्चे कैसा कर पा रहे हैं उनको भी मालूम है। उसके बाद टाइम निकाल के जो पेरेंट्स भेज रहे हैं बहुत बड़ी बात है और फिर इतनी दूर अपने बच्चों को भेज रहे हैं और लड़ने के लिए भी विशाखापट्टनम और मुल्क के बाहर भी भेजेंगे फ्यूचर में, तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले। फिर तमाम लड़के लड़कियों का जो टीम की मेहनत करे और उसके बाद मीडिया की पर्सनैलिटीज़ का जो यहाँ पर आए माशाल्लाह से और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतनी देर इंतज़ार करें, क्योंकि दूसरों के लिए इंतज़ार नहीं करते हम समझते हैं